गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ कॉलेज मेकअप या ऑफिस मेकअप लुक, नो मेकअप और मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ मैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। अगर ये लुक मेरा आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपको अच्छा लगे ये मेकअप लुक, मतलब नो मेकअप भी है और मेकअप भी है, तो आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, ऑफिस में भी ट्राई कर सकते हैं ऑफिस जाने के लिए, और आप कॉलेज गोइंग गर्ल है तो आप तो भी आप इसको ट्राई कर सकती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकती हो। और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। सबसे पहले मैं अपने फेस को टोनर से टोन करूँगी। ये मैंने अपना टोनर बनाया था, रेडियंट कैरेट फेस मिस्ट बनाया था मैंने। अगर आपने इसका नहीं देखा है वीडियो तो आप इसको देख सकते हो। मैं परचेस लिंक दे दूँगी, मैं अपना वीडियो लिंक दे दूँगी। सॉरी, इस तरह से आपको पहले टोन कर लेना है अपने फेस को, और दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब मैं अपने लिप बाम लगाऊंगी। ये है लैक्मे का लिप बाम है, ये लिप लव जो आया था ना, जैसे श्रद्धा कपूर आती थी, वो ये वाला लिप बाम है। कोई भी मेकअप करने से पहले आपको लिप बाम जरूर लगा लेना है। उसके बाद मैं अपने फेस पर क्रीम लगाऊंगी। मेरी मॉइस्चर क्रीम है लोटस प्रोफेशनल क्रीम है। ये SPF 25 है, PA++, तो मैं यही यूज़ करती हूँ डे यूज़ में, क्योंकि मैं ऑफिस कॉलेज का मेकअप दिखा रही हूँ, मेकअप भी है और प्लस नो मेकअप चैलेंज है, तो ये इस तरह का आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप लगा लीजिए। अब मैंने मॉइस्चर कर लिया है अपने फेस को, मॉइस्ट भी कर लिया है। अब मैं लूँगी, ये मैं CC क्रीम ले रही हूँ, 925 लैक्मे CC क्रीम है ये। मैं इसके साथ ही अपने फेस को नो फाउंडेशन, नो कोई क्रीम और कोई सा फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ BB क्रीम CC क्रीम ही यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे की मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये भी SPF 30 है, PA++, तो मैं इसको डॉट डॉट करके आपको पूरे फेस पे लगा लेना है अपने। कोई भी क्रीम है, कोई भी फेस फाउंडेशन क्रीम है या BB CC क्रीम, कोई भी यूज़ करेंगे आप तो आपको डॉट डॉट करके ही लगानी है। इससे आपका फेस केकी नज़र नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा मेकअप होगा आपका। तो मैं हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी, और मैं पाउडर सेटिंग करूंगी। मेवलिन फिट मी फाउंडेशन, मेवलिन का है ये पाउडर, सुपर फ्रेश। मेरा शेड है कोरल, इसमें भी SPF है, तो मैं इससे अच्छे से पाउडर सेटिंग कर लूंगी। SPF के वजह से सनस्क्रीन है इसमें, तो बहुत ही अच्छा है, और इसके थोड़ा सा हल्का सा वाइट टन टोज आ जाता है, वाइटनेस आ जाती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। बहुत हल्का लगाना है, और आपके कानों को बिल्कुल, ईयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप कोई भी फाउंडेशन, BB क्रीम, कोई भी CC क्रीम, कुछ भी अप्लाई कीजिए, अपने ईयर्स पर ज़रूर लगाइए, और अपने आईज एरिया को अच्छे से ठीक से लगा लीजिए। यहाँ पर क्रीज लाइन नहीं आनी चाहिए कहीं पर भी। मैं अपनी आईब्रो सेट कर लूँगी स्पूली के साथ। इससे फिर आपके पास जो भी आईब्रो पेंसिल हो, आईब्रो या फिर आपके पास वो वाला हो लिक्विड जेल वाला, या पाउडर से आप करते हो, आप किसी भी से भी कर सकते हो, पर अच्छे से आपको फिल कर लेना है। अब मैंने आईब्रो सेट कर ली है अपनी, इसी तरह से आईब्रो आप भी अपनी आईब्रो को सेट कर लीजिए। अब मैं लूँगी
थिक लिप कलर लूंगी मैं। मैं लैक्मे का बिल्कुल शेड, लाइट शेड लेना है, क्योंकि आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, आप ऑफिस जाती हैं, तो उसी तरह का बिल्कुल लाइट शेड, न्यूड शेड सा लेना है आपको। इस तरह का न्यूड लेना है आपको, पिंकिश हो या फिर आप ब्राउन, बिल्कुल मैट लुक आ जाए इस वजह से, उस तरह का लुक क्रिएट करना है आपको। मैं काजल लूँगी पहले, अपनी आईज में काजल लगाऊंगी, नो कुछ भी नहीं लगाऊंगी, आई शेडो वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ काजल लगाऊंगी मैं अपने आईज पर, वो भी ब्राउन काजल लगा रही हूँ मैं। नीचे भी लगा लूंगी और अपर लिप पे भी लगा लूंगी इस तरह से। मेरे पास यही पड़ा था तो मैंने ये ले लिया, आप कोई भी यूज़ कर सकते। सॉरी गाइज, मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, मुझे काजल के बाद ही मस्कारा लगा लेना था। मेरे पास ये ब्लू हेवन का मस्कारा है, मैं उसको ही लगा ले रही हूँ। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी मैं भूल जाती हूँ, अभी मैं इतना मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे ही विगल करके आपको लगाना है मस्कारा, हमेशा इस तरह से नहीं लगाना, इस तरह से थोड़ा सा शेक करके हिलाकर ही लगाना है आपको, ताकि आपके सारे बाल अलग अलग हो जाएं, जितने भी आपके आईलैशेस वगैरह हैं। देखिए मैंने काजल लगा लिया है, अब मैं लिप शेड लूंगी। पहले मैं लिप लाइन कर लूंगी अपने लिप्स को। तो मैं स्विस ब्यूटी का ले रही हूँ मैं लिप लाइनर। पहले जो आपने लिप बाम लगाया है वो आपको हटा लेना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है ये कलर्स, लिप लाइनर हो या लिपस्टिक हो कुछ भी आपको तभी यूज़ करना है। ये शेयर बेरी का है ये लिपस्टिक, ये यही कलर में यूज़ कर रही हूँ। एब्सोल्यूट का है, लैक्मे एब्सोल्यूट, क्रीमी बेस है, लेकिन ये बहुत ही है मैट है ये, लेकिन इसका कलर और आराम से इजीली इस तरह लग जाता है। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर निकल कर आता है, ये देखिए। अब मैं हल्का हल्का पीची सा, मतलब बस ब्लश लगाऊंगी। ब्लश के लिए मैं ये जो मैंने लिप लाइन लिया था, मैं उससे ही अपने चिक्स पर लगा लूंगी हल्का हल्का, क्योंकि मेकअप भी करना है और नो मेकअप भी दिखना है। लेकिन जब हम ये हल्का हल्का शेड लगाते हैं ना, ब्लश लगाते हैं हल्का, तो ऐसा लगता है कि वाइट पे हल्का सा पिंकिश, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। आपके पास आई शेडो पैलेट हो तो आप उससे भी लगा सकते हो, बट मैं इसी से लगा ले रही हूँ। अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आप जिस तरह से भी, जो भी आप क्रिएट कर पाएँ अपने फेस के लिए, उस तरह का आपको फेस पर अप्लाई करना है। ये देखिए, पिंकी पिंकी सा शेड आ जाता, हल्का सा शेड चाहिए हम लोगों को। ये देखिए, जब क्योंकि स्माइल करे तो पिंक पिंक सा लगे। तो कितना इजी था ये मेकअप करना, सिंपल लुक भी है और मेकअप भी है, मेकअप भी है और नो मेकअप, मतलब चैलेंज है ये, तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप इस तरह से आप कहीं भी जा सकते हो।
ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, मेकअप भी है और नो मेकअप। अब मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी, जितना भी पाउडर वेज होगा वो भी सब निकाल दूँगी मैं। वही कैरेट वाला मिस्ट डाल रही हूँ जो मैंने बनाया था, और आप लोगों को ये बनाना है और आप चाहते हैं इसकी बनाना और यूज़ करना तो आप भी इसको बना सकते हो। मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। आपने देख लिया है कि मैंने किस तरह से मेकअप किया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने किया है। और हाँ, एक्चुअली मैं मस्कारा लगाना भूल गई हूँ, तो मैं मस्कारा की क्लिप डाल दूँगी मैं, और मस्कारा लगाना भूल गई थी मैं, तो मैंने वो डाल दूँगी। और आप लोगों ने देख लिया है मेरा म्यूज़िक, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एडिटिंग में टाइम लगता है, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए ही ये सब मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे जितना आता है मैं उतना आप लोगों के को दिखा रही हूँ। आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप लोग भी ये सीख सकते हो, और बहुत ही ईजी होता है, ईजी वे में बताती हूँ मैं हर चीज़ जो आपके पास है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास सीसी क्रीम नहीं है तो आप लैक्टोकैलामाइन लोशन जो आता है उसके साथ भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं चलती हूँ, मैं अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग मेरा चैनल नया देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए बाय।